तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस की। मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं द कोर आईएएस। ये आज की ये फोटो देखिए, इसमें ये पर्टिकुलर व्यक्ति हैं जो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। संवाददाता बीबीसी के हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और ये व्यक्ति अपनी कहानी बता रहे हैं कि देखो पेपर लीक हो गया है। इस तरह की रोज हमें खबरें दिखती हैं, कहीं बंगाल गवर्नमेंट का पेपर लीक हो गया, कभी आंध्र का हो गया, कभी केरला का हो गया। ये देखिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे रीजन क्या दिखते हैं अपने को? क्या केवल यही बस पेपर वाला बस लीक होता है कि और कोई भी स्कैम है जो हो रहे हैं? इनको आज हम लोग डिटेल में से समझेंगे। ये देखिए हम देखते हैं लॉटरी स्कैम होता है, आप देखेंगे ईमेल स्पूफिंग होती है, फिर आप देखेंगे चैरिटी स्कैम होता है कि आपसे पैसा मांगा जाएगा कि हमें पर्टिकुलर व्यक्ति की हेल्प करना है और क्या आप 100 रुपये डोनेट कर सकते हैं क्या? गैम्बलिंग स्कैम, ये सब नंबर ऑफ स्कैम होते हैं। तो हमारा यूपीएससी से क्या मतलब है? देखिए यूपीएससी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 100 नंबर से ज्यादा इस वीडियो से आप कवर कर लोगे। कैसे? जीएस फोर्थ पेपर में केस स्टडी आती है जिसमें करप्शन, फ्रॉड, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब की बात की जाती है कि कैसे इनको रोका जाए, कैसे आप रोकते, राइट? और ये जीएस पेपर थर्ड जिसमें साइबर क्राइम होते हैं वो आपका सिलेबस में है, फिर आपका मनी लॉन्ड्रिंग आपके सिलेबस में है जीएस थर्ड में, जीएस टू में आपके जो ई गवर्नेंस है उसको लेकर के ये टॉपिक है, जीएस फर्स्ट में सोसाइटी का इशू है। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज एनालिसिस आज का है ना, ये पूरा ए टू जेड एक्सप्लेन करेंगे हम, जो भी करप्शन, फ्रॉड और ये जितने प्रकार के होते हैं ना क्राइम स्कैम, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे स्कैम हुए हैं और क्या इसके पीछे साइकोलॉजी है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वीडियो में आपको पूरा देखना होगा, तभी समझ पाएंगे कि किस तरह स्कैम होते हैं और किस तरह यूपीएससी में जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व कर पाएंगे। हमें समझना होगा पूरी बारीकी से, डिटेल से। तो देखते हैं, देखिए ये आज की न्यूज थी। इस न्यूज में देखिए बंगाल स्कूल जॉब स्कैम हुआ है, फिर इसी तरह की दूसरी न्यूज थी आज की। रोज दो चार न्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है? ये देखिए मैसिव क्रिप्टो बेस्ड पोंजी स्कैम, ठीक है? अब हम देखते हैं कि कितना होता है हमारे यहाँ स्कैम, ये क्राइम होते हैं। देखो तो साइबर क्राइम समझ लेते हैं पहले। तो साइबर क्राइम सबसे ज्यादा हमारे देश में होते हैं ना, एनसीआरबी का ये डाटा है ऑफिशियल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो है ना, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो कहता है कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं साइबर को लेकर के। फिर दूसरे नंबर में आता है उत्तर प्रदेश, एक रीजन फेमस है झारखंड का जामताड़ा, वहां पर अभी भी साइबर क्राइम एक्टिव है। वो पूरा एक गढ़ है, पूरा एक पूरा वो बना हुआ है सेंटर। हम लोग पहले समझेंगे कहाँ कहाँ क्या डाटा है, क्या रिकॉर्ड है, इसको बारीकी से समझेंगे। इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे कहाँ कहाँ पर हम इस डाटा का यूज भी कर पाएंगे। देखिए ये 5 मोटिव्स साइबर क्राइम करने के, फ्रॉड करते हैं, साइबर फ्रॉड, फिर दूसरा सेक्सुअल एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन ये सब करते हैं, राइट? सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, फ्रॉड मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड, पैसे आपके निकाल लेंगे, राइट? फिर देखते हैं इसमें, ये देखिए पार्ट टाइम जॉब स्कैम होता है। और सब लोग जो यूथ होता है ना, खासकर प्रिपरेशन वाला, वो चाहता है कि हम लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर लें और फिर पढ़ते भी चलें। तो ये साइकोलॉजी को समझते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं ना उन्हें पता होता है डिमांड है तो सप्लाई सरकार तो दे नहीं पा रही है, गवर्नमेंट, राइट? कि गवर्नमेंट जॉब निकाले, तो फिर इन लोग करते हैं कि हम लोग चलो सप्लाई करते हैं लेकिन ऐसे सप्लाई करेंगे जिसमें हमारा ही फायदा हो, हमारा फायदा ऐसे कि उन लोग को बेवकूफ बनाए, ठीक है ना? तो फिर बेवकूफ बनाया जाता है। तो देखिए ये क्या केवल गवर्नमेंट जॉब में ही स्कैम हो रहा है? नहीं, हम देखेंगे, देखिए कोल स्कैम, जहां पर मिनिस्टर लोग बेसिकली इन्वॉल्व रहते हैं, ओके, या बेसिकली गवर्नमेंट की ऑफिशियल इसमें क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। कोल
कोल स्कैम हुआ, देखिए कितना नेशन को लॉस हुआ, गिन नहीं पाएंगे, काउंटिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अंदाजा नहीं कितना पैसा हमारा लॉस हुआ देश का। ये पैसा इतना स्कैम हुआ, लॉस हुआ, तो प्रॉब्लम किसको है? देखिए जब कभी भी स्कैम होता है ना करप्शन से लेकर के, तो राजीव गांधी जी का एक कोट है, राजीव गांधी जी ने कहा था 1985 में उड़ीसा में एक रैली में कि हम लोग एक रुपए भेजते हैं व्यक्ति को, नीचे वाले व्यक्ति को जो गरीब आदमी है उसकी स्कीम के लिए, फायदे के लिए, पर वो पहुंचता है पैसा कितना रुपए, एक रुपए का 15 पैसे, मतलब 85 पैसे तो खा लिया जाता है करप्शन में, अधिकारी खा गए, ऑफिशियल खा गए, फिर क्लर्क खा गए, मिनिस्टर खा गया। उससे क्या होता है, उससे जो गरीब व्यक्ति है ना, इस गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए जो न्याय मिलना चाहिए वो हो नहीं पाता, और जब हो नहीं पाता तो फिर ये होता है, इस गरीब व्यक्ति का ब्लड इस तरह इन लोग करप्शन से ले लेते हैं। देखो साइकोलॉजी, ये लीडर लोग, ये सब लोग, ऑफिशियल लोग इस तरह करप्शन करके आपका बीच का पैसा उड़ा लेते हैं, और फिर क्या होता है, जो कॉमन आदमी को हेल्थ में खर्चा करता या एजुकेशन में खर्चा करता तो कहां से खर्चा करेगा जब उसको पैसा ही कम मिल रहा है, ये बात है। और आप देखोगे ना केवल यही बस स्कैम नहीं है, हमने समय समय देखा है, देखिए ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यूपी का स्कैम हुआ था, इसी तरह आप देखो कोल स्कैम की बात की कि दिल्ली एयरपोर्ट का स्कैम हुआ था 2011 में, राइट, फिर इसका पावर प्रोजेक्ट का स्कैम हुआ। स्कैम का मतलब है कि सिंपल सा हम कह देंगे, यदि समझ ना आए तो सब लोग को, कि यहां पर आपका जो लीगल वे से काम करना था ना, इलीगल वे से क्या किया, काम किया, और साथ ही साथ जो पैसा है ना मनी को, उसको क्या कर दिया, जो सही आदमी को मिलना चाहिए था, राइट पर्सन को, वो मिला नहीं, और बीच में इन लोग ने क्या कर लिया, उसको खा लिया, करप्ट कर दिया। और इसी करप्ट को ही हम लोग सिस्टम को पूरे स्कैम बोल देते हैं, कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, मिला हुआ है, करप्ट है, तो स्कैम हो गया पूरा, राइट। देखिए महाराष्ट्र का इरिगेशन में यहां पर स्कैम हुआ था। स्कैम के अलावा भी और कुछ होता है, जैसे अभी 2022 में ही साइबर अटैक हुआ था एम्स में, एम्स में क्या हुआ था, साइबर अटैक, मतलब साइबर का स्कैम। तो जो साइबर अटैक है ना, वो साइबर अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि पता है कि सब कुछ डिपेंड हो चुका है आजकल किस पे, डिजिटल पे, और जब डिजिटल पे डिपेंड हो जाएंगे तो कुछ ना कोई जो जानने वाले लोग होंगे ना डिजिटल को, उन लोग फिर क्या करेंगे कि हेरा फेरी करेंगे, और जब उन लोगों ने हेरा फेरी की तो क्या होगा कि जो आम आदमी है ना, प्रॉब्लम घूम फिर करके आम आदमी को ही आनी है। तो जो एम्स दिल्ली में जो मरीज वेट कर रहे थे कि हमारा पर्चा लगे लाइन से, हमारी रिपोर्ट्स आए, हमारा जो पूरा एक सिस्टम पूरा उसमें प्रोफाइल बनी हुई है वो दिखे, डॉक्टरों को प्रोफाइल नहीं दिखेगी, डॉक्टर आगे काम नहीं कर पाएगा, तो पूरे के पूरे सिस्टम क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो ये हमें समझना जरूरी है कि किस तरह के स्कैम हो रहे हैं। हमने देखा कॉमन आदमी वाला, इस पिक्चर को देखिए, जब पेपर स्कैम हो गया तो पूरी सारी तैयारी बेकार हो गई। अब हमेशा सुनते होंगे कि हाँ पेपर स्कैम हो गया या पेपर लीक हो गया, उससे क्या होता है, मान लो आपने 6 महीने मंथ खूब पढ़ाई की लाइब्रेरी में, और जब पेपर लीक हो जाता है ना तो फिर क्या आती है, एंगर, गुस्सा, डिप्रेशन, फिर लगता है कि पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर क्या सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि अपनी गवर्नमेंट पर, कि गवर्नमेंट के ऊपर फिर हमें आता है कि हम लोग इनके प्रोटेस्ट करें, फिर हमें कहें कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए, और फिर हम सोचते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम हो, यही मांग करते हैं ना हम लोग, राइट। लेकिन केवल जॉब, ऑनलाइन स्कैम, साइबर अटैक और कुछ भी हैं, ऐसा नहीं है कि यही बस है। ये देखिए यहां पर महिलाएं, आज हमारे देश में आपको आश्चर्य होगा, हरियाणा हमारा एक ऐसा स्टेट है जहां का सेक्स रेशियो सबसे कम है। मैंने कहा ना कि जहां पर डिमांड कम होगी और जब गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर पाएगी या सोसाइटी फुलफिल नहीं कर पाएगी, तभी ये जो फ्रॉड लोग होते हैं ना या इलीगल करने वाले, इनका जन्म होता है। तो मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा,
क्योंकि पूरी साइकोलॉजी को समझेंगे। कोई क्राइम हो रहा है तो उसके पीछे रीजन है, उसी रीजन को पता करना है। इन वीमेन के पास अपना कोई रोजगार नहीं रहा होगा, इन्होंने सोचा कि चलो मैरिज करवाते हैं, एक कोई लीडर होगा, ठीक है ना, वीमेन कोई लीडर होगी, बन गई होगी कोई भी। उसने कहा देखो एक बिजनेस करते हैं हम लोग, लड़कों की या आदमियों की शादी नहीं होती कुछ लोगों की, ठीक है, या जैसे मान लो कोई जिसकी शादी हो चुकी है आदमी, लेकिन उसकी पत्नी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसको दूसरी शादी चाहिए अब, ठीक है, दूसरी लड़की चाहिए या दूसरी औरत चाहिए। तो इन लोगों ने डिमांड समझा, तो डिमांड जब समझा तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसे जो गरीब लोग हैं, गरीब औरतें हैं, उनको भी पैसा चाहिए, उनको मिलाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो तुम्हें 4 दिन रहना है, 4 डेज रहना है, उसके बाद तुम अपनी बहाना बनाना कि मुझे अपने घर जाना है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है या मेरे भाई को एक्सीडेंट हो गया है या ऐसा हो गया है। वो अकेले घर आती है और फिर वो सब कुछ क्या हो जाता है, भाग जाती है, फिर इस तरह क्या हो जाता है, स्कैम हो जाता है। और स्कैम के साथ क्या, पूरा पैसा से लेकर के आती है वो, जितना गोल्ड था पैसा, तो पूरा स्कैम करते हैं इन लोग, राइट। ये देखिए ये पिक्चर समझ में आ रहा है ना, फेक मैरिज रैकेट बस्टेड, फेक मैरिज हो गया। इसी तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, राइट। ये देखिए दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग, देखो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, पूरे एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या क्या कैसे स्कैम होते हैं, कहां कहां हो रहे हैं, राइट। देखो मनी लॉन्ड्रिंग, ये जीएस पेपर 3rd का आपका है, ठीक है। जैसे मान लो किसी क्रिमिनल ने खूब सारा पैसा कमाया, ठीक है, मान लो KGF चैप्टर 2 आपने मूवी देखी थी ना, उससे मान लो खूब सारा पैसा कमाया। अब उसे पता है कि यदि मैं सीधा इतना पैसा 10 लाख रुपए से ऊपर दिखाऊंगा तो इनकम टैक्स वाले जानकारी मांगेंगे पैसा कहां से आया, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कहा देखो ऐसा कर देता हूं कि मैं किसी 3rd पर्सन को अपना पैसा भेज देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं अपने दोस्तों को, चाचा को, मान लो उसके पास 100 करोड़ रुपए है, इसने सबको बांट दिया, कह दिया दो अपने अपने एम्प्लॉय को, कह दिया 10-10 करोड़ रुपए रख लो तुम लोग, और तुम लोग क्या करो इस बैंक में जाओ, यहां पर जमा कर दो, और इस बैंक से कहना कि हमारे इसमें विदेश में फॉरेन में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है ना, फॉरेन में इन्वेस्ट कर दिया। और फॉरेन वाले से फोन करके कह दिया कि तुम जाओ वहीं पर लंदन में क्या खरीद लो, मेरे मकान, हाउस, जैसे विजय माल्या करता किया, विजय माल्या कहां रह रहा है, इसी तरह रह रहा है ना। तो क्या हुआ, इन लोगों ने ये प्रॉपर्टी बना ली। अब ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, लीगल हो गई ना लंदन में। अब क्या करेंगे, यदि मान लो यहां से बेच देंगे प्रॉपर्टी, अब इसको दिखा दिया इन लोगों ने लीगल, कि हाँ ये लीगल है। पहले कहते इलीगल मनी, जब यहां से गोल्ड वोल्ड भारत का चुराया था KGF वाले ने, ठीक है ना, तो यहां के लिए इलीगल थी, लेकिन अपने दोस्तों को पैसा दे करके 10-10 करोड़ रुपए कह दिया कि जाओ अपने RBI में जमा कर दो, अपने बता देना कि हमारा ये चल रहा है 10 करोड़ रुपए में कुछ ना बोलेंगे तुम्हें, ठीक है। जब इसने इंडियन बैंक में RBI में जमा करा दिए या अपने बैंक में, और RBI से कह दिया कि हमें भाई फॉरेन की बैंक में जमा करना है, और फॉरेन बैंक से एक तीसरा आदमी लंदन पहुंचा, वहां से पैसा निकलवाया और फिर जाके यहां पर फॉरेन में जमीनें खरीद ली। तो क्या हुआ, ये इलीगल पैसा को लीगल बना दिया, तो किया ना फ्रॉड, तो उसे बोल देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि हमारे जब भी कपड़े प्रेस नहीं होते ना, ठीक है ना, तो हम लोग लॉन्ड्री के पास जाते हैं, प्रेस वाले के पास। तो वही है कि बैड मनी मतलब इलीगल मनी थी, उसको क्या बना दिया आपने, गुड मतलब कह सकते हो कि बिल्कुल क्लियर कर दिया, मनी को साफ कर दिया, उसको व्हाइट मनी कर दिया, ब्लैक मनी को कहते हैं ना मोदी सरकार, ब्लैक मनी। लेकिन इतनी रूट जमी हुई है कि ब्लैक मनी का अभी तक हम कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो इन्हीं लोग का है, नेता लोग का है, राइट, और बिजनेसमैन लोग का है, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। अब मनी लॉन्ड्रिंग देख लिया हमने, जॉब स्कैम देख लिया, मैरिज स्कैम देख लिया, लेकिन और भी देखिए, ये देखिए यहां पर एक कैमरा लगा करके स्कैम हो रहा है। स्कैम में क्या हुआ, एक लड़की ने हनी ट्रैप क्या होता है, हनी ट्रैप ये होता है, जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर किसी लड़की से दोस्ती करनी है, राइट, या किसी मुझे फ्रेंड बनाना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो लड़के जो नए नए यूथ होते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, आर्मी जैसे लोग पर्सन भी फंस जाते हैं, हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। क्या होता है, इनका लोग का, लड़कियों लोग का अपना एक जाल होता है, इन लोग का, इन्हें पता रहता है। मैंने एक चीज बार बार बोली है, डिमांड एंड सप्लाई, जब सप्लाई सरकार और सोसाइटी आप खुद नहीं पूरी कर पाओगे ना, तो आप 30 चौथे के पास जाओगे।
और चौथे ऐसे के पास जा रहे हो जो आपको लूटना चाहता है इलीगल वे से, तो आपको शोषण होगा, बात की फिर सब लोग रोते हैं, राइट। तो देखेंगे हम लोग कि हनी ट्रैप में कैसे क्या होता है। देखो तो हनी ट्रैप में ना, एक लड़की मान लो बहुत सारे लोगों से बात कर रही और सबसे कह रही कि मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ऐसा वैसा, अपनी अच्छी खूबसूरत होने का फायदा उठाती है वो, ठीक है, और लालच देगी कि मेरे मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरी ये तबीयत खराब है, वैसा वैसा। आप पैसा देते जाते हो और फंसते जाते हो। फिर कोई ऐसे मान लो ऑब्सीन फोटोज आप उसके साथ पोस्ट कर दोगे या उसको दे दोगे तो फिर क्या होगा, फिर उस ब्लैकमेल होगा फिर आपका, और जहां ब्लैकमेल होना स्टार्ट तो आप पैसा देना आपने चालू कर दिया। फिर लास्ट में क्या होता है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं या कई लोग पुलिस के पास जाते हैं तो फिर बच भी जाते हैं। तो इस तरह पूरा फ्रॉड होता है। मैं आपको समझा रहा हूं कि जिससे कि जो कॉमन आदमी भी है ना वो समझे, तो उस चीज को समझ सके, राइट। ये देखो गोल्ड स्मगलिंग, हमने देखा था KGF चैप्टर 2-1, सबने मूवी देखी होगी, जिस बिहार का एक आदमी है उसने 2.28 करोड़ का स्मगलिंग किया गोल्ड का, ठीक है ना। अब गोल्ड का स्मगल यदि हो रहा है ना, मतलब वो गोल्ड हमारे इकोनॉमी में नहीं आ रहा है, तो गोल्ड जब हमारी इकोनॉमी में नहीं आ रहा है तो फिर क्या हुआ, वो स्मगलिंग हुई और फिर वो पैसा इलीगल वे से आएगा, फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर देंगे। तो ये है गोल्ड स्मगलिंग भी है, राइट। और देखते हैं और क्या है, ठीक है। देखिए हमने स्कैम में अभी तक क्या क्या समझ लिए, आपने हनी ट्रैप समझा, हनी ट्रैप क्या होता है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग समझ लिया कि पैसा कैसे इधर से उधर करते हैं, एक अपना काला पैसा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देते हैं, इलीगल मनी को लीगल दिखा दिया, गोल्ड लाया तुमने स्मगल करके कहीं से और उसको तुमने व्हाइट कर दिया, राइट। फिर हमने समझा साइबर क्राइम्स, फिर मैरिज वाले क्राइम, ठीक है, और क्या स्कैम हो रहे होंगे। इसी तरह हमने चैरिटी वाला स्कैम कि झूठ है, मतलब उसके हम देखते हैं बहुत लोग भीख मांगते हैं, विकलांग बने रहते हैं लेकिन वास्तव में सही होते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी ट्रैफिक सिग्नल, उस मूवी में दिखाया कि बहुत लोग तो सही होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उन बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, चाइल्ड किडनैपिंग कर लेते हैं और उन लोग से भीख मंगवाया जाता है। तो भी एक प्रकार का स्मगलिंग किडनैपिंग ये सब हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग सोचा करते हैं चलो दान कर देते हैं, हम लोग फिर बेगिंग दे देते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं। मैंने कहा ना डिमांड एंड सप्लाई, आपको क्या है, आपकी सप्लाई ये है ना कि चलो कंपैशन आ रहा है, आपको दया आ रही है, उसने दया का फायदा उठाया और उसने कहा चलो हम लोग चलो भीख मांगते हैं क्यों कमाएं, राइट। इसी तरह सेक्स की ट्रैफिकिंग होती है, डिमांड एंड सप्लाई एक ही चीज समझना है आपको। सप्लाई क्या है कि आपको अपनी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी है, ठीक है, और जब बायोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी है, जब आपको कहीं मिल नहीं रहा है तो फिर आप जाओगे किसी पर्टिकुलर जिसे हम लोग बोलते हैं वैश्यालय, वहां, और वैश्यालय में कौन होगा, जो या तो खुद से करना चाहते हो या तो फिर पूरा बिजनेस होगा, राइट। बट मोस्टली क्या ये सब रहते हैं, सेक्स में जो वुमेन इन्वॉल्व होती हैं वो सब फोर्स्ड होती हैं, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये चीज हमने समझा। इसी तरह पेंशन स्कैम होता है, लैंड स्कैम, कि मान लो आपको जमीन खरीदनी है और आप गए, आपने देखा कि कितना अच्छा मकान है, कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन पता चला जो जमीन आपको दिखा रहा है ना, जो पेपर लिए हुए, वो नकली पेपर लिए, आपसे पैसा ले गया 25 लाख रुपए और भाग गया और स्कैम हो गया आपके साथ, ठीक है। लेकिन हमने ये सब समझा, इतने सारे स्कैम समझे, लेकिन इसके पीछे क्या है रीजन, ये समझना होगा। देखो बात ये है ना, पहला चीज तो है प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है, ये स्कैम 1990 मूवी का डायलॉग है और हम मूवी के उन पर्टिकुलर डायलॉग से, उन साइकोलॉजी से ये पूरा आज का जो करप्शन, फ्रॉड, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, ये जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं ना, समझेंगे। हमारी मूवीज में पूरी रिसर्च रखी हुई है, जितनी भी मूवी बनती है ना इस तरह की, हम लोग केवल इंटरटेनमेंट में निकाल देते हैं, लेकिन जब आप लोग बड़े गहराई के साथ देखोगे तो पूरी रिसर्च है। साइकोलॉजी यही है कि प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है, सीधी बात है, आपको जहां प्रॉफिट होगा ना वहीं जाएंगे, और ये मनुष्य का स्वभाव है कि जहां प्रॉफिट होगा वहीं जाओगे। यदि आपको लगेगा 5 रुपए आपके बच रहे हैं ना, तो आप कहोगे चलो ठीक है हम दूसरे चले जाते हैं, राइट। तो एक चीज तो ये हो गई, दूसरी मैंने बताया डिमांड एंड सप्लाई का खेल भी है।
कि आपको कोई डिमांड चाहिए और सप्लाई नहीं मिल रही है, जब गवर्नमेंट जॉब निकाल नहीं रही है तो फिर हम लोग ढूंढेंगे कहीं पर ऑनलाइन ये वो, तो उसमें फंस जाते हैं। ये चीज है, प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है। फिर और देखिए, अब ये हेरा फेरी मूवी का एक ये है, इसमें जो काम करने वाला लोग होते हैं ना, इसमें साइकोलॉजी ये बताई गई कि जब भी क्राइम करते हैं इन लोग, तो इन लोग बताते हैं कि हमारा बहुत स्पेशल है, हम लोग केवल लिमिटेड लोग को पैसा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसने कहा, अक्षय कुमार ने कहा अच्छा, तो कहा चलो ठीक है मैं पैसा लेके आता हूँ। तो फिर ये है, अक्षय कुमार कहता है अपने दोस्तों के पास जाता है, कहता है देखो मैं एक स्कीम को पता करके आया हूँ जिसमें 21 दिन में पैसा डबल, 5 करोड़ के 10 करोड़। उन्होंने कहा अच्छा, तो उसने कहा पैसा ही पैसा, समझ में आ रहा है ना। तो आप देखो कि प्रॉफिट दिखता है तो आप, साइकोलॉजी बता रहा हूं क्यों होते हैं क्राइम, क्योंकि हमारी डिमांड के साथ खेला जाता है, जनरल पब्लिक के साथ, ठीक है। तो उसे दिखाया पैसा ही पैसा। फिर आगे देखो, फिर आगे कहता है 1 करोड़ कहां से लाऊंगा। अब जितने भी साइबर वाले होते हैं या जो भी स्कैम कर रहे हैं ना, उन लोग बड़ी डिमांड रखते हैं, उन्हें पता है छोटे छोटे में कुछ नहीं होगा, एक बार स्कैम करो निकलो। तो इसे फंसाया, इससे कहा कि देखो पैसा लेके आओ 1 करोड़। तो इसने इन लोगों को लालच तो दी कि पैसा ही पैसा होगा, उन्होंने कहा चलो ठीक है व्यवस्था करते हैं। अब ये कह रहा है कि 1 करोड़ कहां से लाऊंगा, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे क्या करता है, अब ये खुद बनता है कि कहता है कि चलो मैं कोशिश करता हूं कि लोगों से अब बात करता हूं कि कैसे मैं अमीर हूं, लोग मुझे पैसा देंगे। तो कहता है अमीर बनो, अमीर आदमी 15 मिनट में अपने कपड़े बदलता है, आधे घंटे में अपने घर बदलता है, 1 घंटे में अपना धंधा बदलता है। तो देख रहे हो आज का जो मनुष्य है ना, ह्यूमन, वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, कंज्यूमरिज्म की जो आइडियोलॉजी है ना, उसमें फंस चुका है। सबको चाहिए कि आप बात करो, ठीक है ना। देखो 21 दिन में पैसा डबल, सबको चाहिए कि हाँ मेरे पास ही पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छी सुख सुविधाएं हो, ठीक है ना। तभी तो करप्शन हो रहा है ना, तभी तो फंस जा रहे हैं इन लोग। तो बोला इसने 21 दिन में पैसा डबल, और देखते हैं पूरी साइकोलॉजी को समझेंगे। ये लॉटरी वॉटरी ना सब गरीब लोग का काम है, मैं तो बिजनेस करता हूं। देखो अब ये सोच रहा है कि मुझको तो पैसा मिलने वाला है, अब मैं गरीब लॉटरी वॉटरी नहीं करने वाला, ठीक है ना, और मैं बिजनेस करूंगा। तो सपने दिखाए जाते हैं और सपने देखने लगते हैं, ठीक है ना, राइट। देखो सपने इस तरह देखता है और बताता है इस मूवी में, बिल्कुल साइकोलॉजी बिल्कुल सही बात है। इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता। अब इसे पता था कि इसके पास पैसा है और मुझे 1 करोड़ रुपए व्यवस्था करना है जिससे कि मैं उस स्कीम के को जमा कर पाऊं पैसा। तो उसने कहा कि मुझे पहले बड़ा आदमी बनना होगा, ठीक है ना। जब भी स्कैम वाले होते हैं ना, अपने आप को बहुत बताएंगे कि हम बहुत स्टैंडर्ड है, हम लोग बहुत पैसा है, ऐसा वैसा, ठीक है, हाई प्रोफाइल अपना डाटा जो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, इसने कहा इससे पैसा लेना है तो अब बताओ। उसने 2000 के 5-6 नोट निकाले और बिछा के रख दिए, ठीक है, और उसमें बैठ गया। तो ये बोलता है कि इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में क्यों नहीं पी लेता चाय। तो फिर ये बताता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा, आदत हो गई है, एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। देखो फंसाया कि नहीं फंसाया, ठीक है। आप देखते होगे कि कोई आदमी विदेश चला जाता है, कनाडा नाडा, और वहां पर अच्छे पैसा कमा के आता है तो सब लोग जाने लगते हैं फिर, क्योंकि उसे लगता है ये भी तो गरीब था। तो एक मोटिवेशन मिलता है, इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये हमारे जीएस के 4th पेपर में है। मैंने कहा था ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100 नंबर का मटेरियल मिलेगा। तो कैसे ये निगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं इस तरह की एक्टिविटी में, कि जब भी आपको कोई निगेटिवली आपको ट्रैप कर रहा हो, हम समझ नहीं पाते, ठीक है ना। तो आदत हो गई, उसे लगा कि अच्छा है इतना बड़ा आदमी बन गया ये। फिर ये देखो इस 25 दिन में पैसा डबल, इसको भी दिखाया। इसी तरह आप देखोगे यहां पर, देखो सेव वाटर ड्रिंक बियर दैट्स आवर मोटो, पूरी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है उस ह्यूमन के साथ, ठीक है, आपको समझना होगा। और फिर क्या हुआ, जब उसे पता चला कि मैंने पैसा दे दिया उस लेडी को जिसके बैंक था, वो लेके भाग गई। फिर ये रोने लगा, अरे मुझे चक्कर आने लगे हैं, समझ आ रहा है। तो बात ये है कि कैसे उसकी साइकोलॉजी के साथ खेला और फिर वो निकल गए, ठीक है, और फिर ये रो रहा है इंसान, ठीक है। तो इस तरह स्कैम होता है। ये स्कैम यही बस नहीं है, और देखो ये नेता लोग जो लोग होते हैं ना, नेता लोग भी मिले रहते हैं, नेक्सस होता है। ये तो इंडिविजुअल भी करते हैं, फिर हमारी गवर्नमेंट भी मिली होती है, नेता लोग भी मिले रहते हैं, ठीक है। तो नेता लोग क्या पालते हैं, गुंडे। ये मिर्जापुर मूवी का डायलॉग है, ठीक है, मिर्जापुर मूवी में कहते हैं अगर नेता बनना है तो गुंडे पालो, गुंडे बनो नहीं। बात सही है बिल्कुल,
कोई भी अब नेता जो दिखता होगा ना वो नेता ही रहता है, गुंडे उंडे बहुत कम रहता है वो, ठीक है ना। तो गुंडे ही क्योंकि पैसा ही प्रबंध करेंगे, वही फ्रॉड करके लाएंगे पैसा, वही करप्शन इनडायरेक्टली करेंगे, नेता सामने नहीं आएगा, राइट। फिर देखो, फिर ये नेता अपने उससे कहता है, मान लो कोई आदमी है, वैसे तो इस मूवी में इसका लड़का है, बोलता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जब नेता कोई कहेगा किसी क्रिमिनल वाले व्यक्ति से, उसे क्या करता है, उसे उसकी ताकत का रिलायज कराता है, उसे गुस्सा देता है, लाता है कि तुमसे ना हो पाएगा। वो कहेगा अच्छा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अच्छे बड़े बड़े काम कर दूं, माइनिंग में घोटाला कर दूं, इधर घोटाला कर दूं, आप बात कर रहे हो ऐसा। फिर कहता है नहीं, फिर ऐसे लोग चाहिए हमें जो कहेंगे हम आपका दुकना दुकान लूटने के लिए आए हैं, पुलिस को फोन मत करना वरना गोली मार देंगे। तो देख रहे हो, जब भी मतलब मान लो माइनिंग सैंड इलीगल माइनिंग होती है, ठीक है, तो पता चला किसी इंजीनियर ने रोका, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर छत्तीसगढ़ या झारखंड यहां पर, ठीक है ना, माइनिंग हो रही है और कोई इंजीनियर रोकना चाह रहा है, उसने कहा ये तुमने बीच में आया तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। तो फिर देख रहा हो कि कैसे फिर पूरा सिस्टम भी मिल जाता है, कहता है कि हाँ मुझे अपनी जान नहीं देनी, ठीक है ना, अपनी लाइफ नहीं देनी है, तुम लोग लूट रहे हो तो चलो ठीक है मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे ही मिलेगा। तो पूरा सिस्टम पूरा बिक जाता है, राइट, क्योंकि जब इलीगल एक्टिविटी होने लगती है ना अपने चरम सीमा पर तो बहुत दिक्कत आती है। देखो ये फर्जी मूवी का डायलॉग है, मैं पूरी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, स्कैम होते हैं तो क्यों होते हैं इसको समझना होगा। और ये मूवीज में ना जितनी मूवीज बनती हैं, जो इस तरह की मूवीज बनती हैं कि जो बताना चाहते हैं स्कैम हो रहे हैं इन पर, वो पूरी रिसर्च के साथ बनती हैं। उनकी साइकोलॉजी को यदि हम एक बार समझ जाएंगे तो फिर हम अपने आंसर में पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि साइकोलॉजी ये रहती है कि उनको पता रहता है कि कैसे नेक्सस को मिलाना है, कैसे पॉलिटिशियन को, गुंडे को या सिपाहियों को कैसे उनसे बात करनी है, ठीक है। देखो यहां की साइकोलॉजी समझो इस पर्टिकुलर, ये कहते हैं अब नकली नोट बनाएंगे, तो ये कहता है शाहिद कपूर ये नोट तो किसी इंसान ने ही बनाया होगा ना, डायरेक्ट वैसा ही बनाते हैं ना, तो देख रहे हो काउंटरफीटिंग, ये भी क्या है, एक प्रकार का स्कैम है। आप देखते होगे 500 का नोट हम लोग चेक करते हैं बार बार, सही है कि नकली है, सही है कि नकली, तो बहुत सारे लोग पर बहुत नॉलेज होता है, ठीक है ना, जितने लोग ये सब क्राइम एक्टिविटी वाले करते हैं ना उन लोग पर नॉलेज होता है, लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के, लेकिन बस यही है कि उन्हें डिमांड सप्लाई देखते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है और मेरे पास भी पैसा नहीं है तो चलो डायरेक्ट नोट बनाते हैं। फिर देखो जब जेब में पैसा नहीं होता ना तो पैसा ही पैसा दिखता है, फर्जी मूवी है उसमें बोलता है डायलॉग। कोई गरीब आदमी या मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है, जब देखता है कि मेरा दोस्त आगे बढ़ा चला जा रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर उसे फिर अपने दिमाग में शरारत सूझती है, अपना दिमाग लगाता है फिर इलीगल एक्टिविटी में इस तरह वाली, राइट। रूट कॉज देखो स्कैम का कैसे होता है, तो ये चीज है अनएम्प्लॉयमेंट, पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं है, ठीक है ना, फर्जी का मूवी डायलॉग है। और देखो क्या है, जब इस तरह किसी व्यक्ति को ना मान लो कोई व्यक्ति है बार बार उसको रिलाइज कराएगा तो कहेगा चलो ठीक है मैं आप में शामिल हो जाता हूँ, तो इस तरह इन लोग अपने मेंबर को शामिल करते हैं, स्कैम लोग का जो मेंबर बनता है ना पूरी स्ट्रेटजी उसको बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब ये नोट भी तो किसी इंसान ने ही बनाया होगा ना, ठीक है ना, ये चीज है। आप देखो तो इन लोग जो सोचा करते हैं ना स्कैम वाले, वो सोचा करते हैं कि हम लोग एक स्टेप आगे ही रहेंगे, एक स्टेप आगे ही, तभी ये करते हैं क्राइम एक्टिविटी। क्रिमिनल हमेशा सोचा करता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा माइंडेड कोई है ही नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा अभी भी इतना सिस्टम मजबूत नहीं है कि हम उनको कह सकें। और देखो जैसे यहां पर हर्षद मेहता था, एक मूवी है गफला मूवी, मैं आपको मूवी की माध्यम से क्यों बता रहा हूं, आपको मैंने अभी बता दिया कि फर्जी मूवी, ठीक है, या मिर्जापुर मूवी बता दिया आपको मैंने, ठीक है, या मैंने अभी गफला मूवी के बारे में बता रहा हूं, राइट। ये सब मूवी मैं आपको क्यों चर्चा कर रहा हूं, ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब एक बार आप समझ गए ना इन मूवी के माध्यम से तो आपको पूरा स्कैम का आईडिया चल जाएगा, स्कैम होता कैसे, कॉमन आदमी फंसता कैसे, कॉमन आदमी को जैसे मैंने बताया ना मूवी का नाम स्कैम 1992, उसमें उसका डायलॉग था कि प्रॉफिट दिखता है ना तो सब कोई झुकता है, सब कोई बेंड डाउन होगा, रियलिटी है ये, और इसी को समझना होगा और इसी के साथ खेलते हैं हेरा फेरी। फिर मैंने आपको फर्जी बताया इसमें, अब ये मूवी है, राइट, ओके, क्लियर है चीजें।
अब ये मूवी देखिए, ठीक है, ये फर्जी मूवी। अब ये मूवी का पर्टिकुलर सीन है गफला मूवी का। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हर्षद मेहता है ना, हर्षद मेहता क्या करता है, हर्षद मेहता मैनिपुलेट करता है मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, जिसमें शेयर लगाए जाते हैं। उसने कहा कि यदि मैं मार्केट में क्या ला दूं, बूम ला दूं, कि मार्केट में सब लोग शेयर खरीदने लगे मेरे से, इस कंपनी के शेयर, तो सब लोग पैसा लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, मेरे पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा और इससे मेरा पैसा बढ़ता चला जाएगा, इस तरह सोचा। लेकिन जब पता चला कि वो जो दिखा रहा है ना शेयर बढ़ते हुए, वो सब गलत दिखा रहा है, उससे क्या हुआ, पूरा मार्केट क्रैश हो गया। जब मार्केट क्रैश हो गया तो जिन लोगों ने पैसे लगाए थे ना सबके डूब गए, तो इस तरह उनके साथ खिलवाड़ हुआ। ये पुष्पा मूवी है। पुष्पा मूवी में बोलते हैं सामान निकालने के लिए ताकत की क्या जरूरत है, केवल दिमाग ही काफी है। मैंने कहा ना कि इन लोग अपने माइंड के साथ खेलते हैं। और इसमें हमने देखा था जो हम चंदन है ना, चंदन के पेड़ है, ठीक है ना, जो आंध्र प्रदेश से, क्या ये पर्टिकुलर मूवी का सीन था। और इसमें पुष्पा मूवी कहता है कि मैं पुष्पराज हूँ, पुष्पराज, ठीक है ना, मैं झुकेगा नहीं साला, इस तरह उसने डायलॉग देता है। और फिर उसकी मूवी में है कि मैं फायर हूं करके। तो जब ये मूवी, मान लो कॉमन आदमी इस तरह के डायलॉग देखता है ना, तो उसे लगता है कि भाई यार मुझे भी इस तरह की एक्टिविटी करना है, ठीक है। जब वो मान लो सैंड माइनिंग कर रहा होता है ना, और मूवी देख रहा होता है, रात में मूवी देखता है पुष्पा की, तो कहता है कि मैं चाहे जितने भी अधिकारी आ जाएं, वो अपने पास, इलीगल आदमी अपने पास बंदूक रखता है। जैसे आपने विकास दुबे का कांड देखा था, विकास दुबे में क्या हुआ था, पुलिस मिली थी ना कुछ लोग, जब पुलिस मिली थी और ये इलीगल एक्टिविटी कर रहा था, तब पुलिस ने एक बार सोचा चलो अब इसको पकड़ते हैं, तो उसने कहा नहीं मेरे पास बंदूक है, गन, क्लियर। तब देखा आपने लास्ट में ये हुआ कि कई सारे पुलिस वाले मारे गए। तो साइकोलॉजी को समझना होगा, साइकोलॉजी यही है कि जब इस तरह की मूवी आया करती है ना, स्मगलिंग वाली, जब एक निगेटिव इन्फ्लुएंस भी करती हैं, पॉजिटिव तो करती हैं कुछ अच्छे वे में, लेकिन निगेटिव भी करती हैं। निगेटिव ऐसे कर गई, जैसे मान लो अब कोई क्रिमिनल है, जब वो ये मूवी देखेगा तो कहेगा मैं झुकेगा नहीं, या मैं ऐसा करेगा, तो बेसिकली फिर और वो प्रमोट करता है, राइट। ये भी चीज है, ये सिनेमा भी एक जिम्मेदार है। ये देखिए असुर मूवी, असुर मूवी शायद देखी होगी आप लोग ने। असुर मूवी में दिखाया गया है कैसे इन लोग हैक कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बड़ी कंपनी रहती है उसका डाटा पूरा हैक कर लेते हैं, मान लो गूगल एक, ठीक है ना, नहीं है एक कोई दूसरी कंपनी लिया है, ठीक है, तो मान लो हैक कर लिया है इस व्यक्ति ने, तो सबके पास, गूगल के पास सबकी अपनी इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन ले लेगा, सबकी प्राइवेसी को शेयर कर सकता है। तो क्या होगा कि जब प्राइवेसी हमारी दिक्कत में आ जाएगी तो प्रॉब्लम होगा ना, मान लो कि अपनी पर्सनल उसकी चीजें होंगी, डाटा होगा, सब कुछ होगा। तो इसने ये समझा कि इस मूवी में दिखाया गया, सच दिखाया गया है कि लोगों को ये चीज है ना, ये दिखाओ मैं आप सबको नैतिकता के अंधकार से मुक्ति दिलाने आया हूं। उसने कहा कि देखो क्राइम, बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, एक डायलॉग है, करुणा क्रूरता और लगाव ही पीड़ा है, ठीक है ना, गलत है ये चीज ना। लेकिन जब ये मूवी दिखा रही है ना, तो वो कुछ जब वो इन्फ्लुएंस हुआ है, कोई व्यक्ति यदि इस तरह की बात करता है ना, आपने तारे जमीन में पिक्चर देखी होगी, राइट, कोई छोटा व्यक्ति जन्म से क्रिमिनल नहीं होता है, उसका एनवायरमेंट जिम्मेदार होता है। और इस असुर मूवी में दिखाया गया था कि कैसे उसके पिताजी ना उसको बताते थे कि जब वो बहुत अच्छा याद कर लेता था, कुछ कर लेता था, तो उसको डांटा करते थे, कहते थे ये असुर है, असुर है, अपनी माँ को खा गया, ठीक है, तो वही जिम्मेदार बना जब उसको बताया गया असुर, तो उसके मायने बैठ गया, उसकी ब्रिंगिंग हुई ऐसी। कोई व्यक्ति जन्म से क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन जब इस तरह का व्यक्ति जब बनता है तो पूरे समाज को में तबाही लाता है, समाज में परेशान लाता। और फिर ये कहता है कि नैतिकता एकदम कुछ रखा नहीं रह गया, क्लियर। तो साइकोलॉजी पूरी समझिए, कैसे स्कैम होते हैं, कैसे साइबर स्कैम, इन पूरी मूवी में पूरी रिसर्च रखी हुई थी और मैंने आपको आपके सामने प्रेजेंट की। आप ये देखो, ये व्यक्ति कहता है कोई व्यक्ति या भावना हमें केवल तब परेशान कर पाती है जब हम इसे शक्ति देते हैं। शक्ति कैसे, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझको इलाज करवाना है, कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं,
तो फिर क्या करेगा, ये क्राइम करेगा, क्राइम करेगा ना, जब क्राइम करेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। क्लियर, ये बात थी। अब ये देखिए, ये सबसे पॉपुलर वेब सीरीज है मनी हाइस्ट, ठीक है ना। आपको मूवी के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं ना, आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंड में एक चीज क्लियर हो जाए कि स्कैम के पीछे कैसे इन लोग खेलते हैं। इस मूवी में पूरी पॉपुलर वेब सीरीज है वर्ल्ड की, नंबर वन वेब सीरीज कह सकता हूं मैं, इसके 5 पार्ट को देख करके रिसर्च की मैंने, ठीक है। इसमें सब एक से बढ़कर एक माइंडेड लोग, सब अपने में स्पेशलिस्ट, कोई को बंदूक चलाना आती है, कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट, कोई सब शानदार लोग। और इन शानदार लोगों ने, एक लीडर रहता है, इसे प्रोफेसर कहते हैं, और इसने कहा कि देखो, हमें यदि वास्तव में अमीर बनना है ना, सबकी चाहत क्या होती है, मैंने कहा ना डिमांड एंड सप्लाई, इनकी डिमांड क्या है, सबकी, सबको लोगों को बुलाया, और सबको लोगों को बुलाने के बाद कहा कि देखो डिमांड एंड सप्लाई में हम लोग करेंगे काम, राइट। तो ये चीज थी। अब इस मनी हाइस्ट मूवी में ये दिखाया गया कि कैसे पर्टिकुलर उस व्यक्ति के साथ किया जाता है, कैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लो अब उसको बुलाया कि देखो तुम्हें 100 करोड़ रुपए की दिक्कत है, ये 100 करोड़ रुपए तुम्हें चाहिए, और 100 करोड़ रुपए कहता है दिक्कत है चाहिए, समझ नहीं आ रहा। उसने कहा कि तुम्हें 100 करोड़ रुपए इसलिए चाहिए, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है और तुम पूरे जिंदगी में नहीं कमा सकते, लेकिन मैं यदि बता दूं कि पूरा एक बैंक को ही, हम लोग सेंट्रल बैंक को ही लूट लें, तो क्या रहेगा, स्कैम, फ्रॉड, बड़ा लेवल वाला फ्रॉड। तो ये जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं ना, इन लोग भी अपना दिमाग लगा करके फ्रॉड करते हैं, ये मनी हाइस्ट मूवी में दिखाया गया। अब देखो ये सीन देख करके आपको लगे कि क्या दिखा रहा हूं मैं, लेकिन इसने अपना दिमाग, इन लोग का दिमाग इतना तेज होता है ना, जब पुलिस आई तो पुलिस के सामने अपना पूरा चेहरा ही बदल दिया कि वो लगे ही नहीं कि वो प्रोफेसर है, राइट। तो ये सब मैंने बताया, साइकोलॉजी बताई, इतनी सारी मूवी का एग्जाम्पल दिया, उसके पीछे रीजन यही था ना कि देखो इन लोग व्यक्ति को साथ खेलते हैं, व्यक्ति को दिखाते हैं प्रॉफिट, पहली चीज। ये व्यक्ति होते हैं, इनको भी जरूरत होती है, इन लोग की भी डिमांड होती है कि इन लोग को बड़ा बनने की, ग्रीड इनकी रहती है, इनकी रहती है कम समय पे, शॉर्ट टाइम में ये ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें। जैसे मैंने बताया हेरा फेरी मूवी में, वो आई कंपनी और तुरंत 10 दिन में लेकर के भाग गई पैसा, तो शॉर्ट टाइम में ये लोग बनना चाहते हैं क्रिमिनल, ठीक है। जनता की भी दिक्कत है, जनता को प्रॉफिट दिखेगा, जनता आ जाती है, जनता कहती है डबल पैसा हो रहा है, अच्छी, अच्छा बात है, चलो हम लोग पैसा लगा देते हैं। तो दोनों साइड से होता है, और ये अपने आप को प्रेजेंट ऐसा करते हैं क्रिमिनल लोग, उन लोग कहेंगे कि देखो हमारा सब कुछ, हम कितने बड़े हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पैसे में बड़े हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास रिसर्च है, अपनी कंपनी प्रोफाइल दिखाएंगे हाई से हाई। तो इन मूवी में जो बताया ना, जैसे उसने बताया फर्जी मूवी में कि देखो चलो हम ही नकली नोट बनाते हैं, इनके पास टैलेंट रहता है, एक स्पेशलिस्ट रहते हैं, लोग रिसर्च करके आते हैं, ठीक है ना, नए नए तो तुरंत पकड़े जाते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल पर क्राइम करते हैं ना, हर्षद मेहता जैसे लोग, इन लोग बड़े स्पेशलिस्ट रिसर्च करके आते हैं अपने, ठीक है ना। तो इस मूवी में हमने यही समझा, जैसे मान लो असुर मूवी में, इसके पास बहुत, इसके पास इतना दिमाग, इतना तेज, इतना है, कुछ कहने को नहीं, ठीक है ना। जब इसके पास इतना दिमाग है, तेज है, तो इसने अपने गलत यूज किया, ठीक है, और जब गलत यूज करेगा तो फिर दिक्कत किसको आएगी, आम आदमी को ही आएगी फिर, क्लियर। ये चीज थी पूरी, ये देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या आती है फिर जब ये फ्रॉड होता है। लॉस्ट इकोनॉमी हमने देखा था कैसे कॉल स्कैम हुआ, तो 1 लाख गिन ही नहीं पाएंगे, अरबों में पैसा, बिलियन में हमारा लॉस हुआ था, ठीक है। डिस्करेज टू ऑनेस्ट पीपल, जब यदि मान लो कोई आम आदमी अपना काम अच्छे से कर रहा है ना, और कोई मान लो करप्शन कर रहा है, कोई ब्राइब ले रहा है, जैसे बगल में ही है एक अफसर करप्शन ले रहा है, ठीक है ना, 100 रुपए 200 रुपए। अब एक ही व्यक्ति ईमानदार बना है, अब वो ईमानदारी से अपना काम 2 महीने में पूरा कर पा रहा है, अब वो रिश्वत लेकर के वो 2 महीने में नहीं कर पा रहा है, वो 15 दिन में ही कर दे रहा है। आपको लोग कैसे 15 दिन में ऐसे कर दे रहा है कि वो ऊपर तक पैसा पहुंचा रहा है, ठीक है ना, मंत्री को भी पैसा दे रहा है, मंत्री कह रहे हैं चलो ठीक है तुम्हारी फाइल हम तुरंत कर दे रहे हैं। ईमानदार वाला कि कहता है कि सर, मंत्री से कहता है सर सिग्नेचर कर दीजिए, कहते हैं थोड़ा रुको अभी, तो ईमानदार वाला 2 महीने लेता है, और वो जो करप्शन वाला है वो 15 दिन में काम कर देता है। तो जनता भी ये सोचती है, जनता को भी मैंने कहा ना शॉर्ट टाइम में चाहिए, सबको कहते हैं ना कि यार मेरा तुरंत नंबर लग जाए पर्चा में, लाइन में, टिकट में, सब जगह, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी हो जाए, और जब जल्दी से जल्दी करते हैं तो वहीं पर उसी का फायदा उठाते हैं, तो करप्शन होता है। और फिर ये जो ऑफिशियल्स लोग होते हैं ना, पब्लिक ऑफिशियल्स, इन लोग क्यों नहीं मानते, इन लोग 30,000 कमा रहे हैं, उन्हें पता है कि 30,000 से 3 लाख रुपए कमाया जा सकता है, तो 3 लाख कमाए ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई जाएं, कार बनवाई जाएं, ऐसो आराम किया जाए,
ठीक है ना, गरीब आदमी पहले भी मर रहा है, आज भी मरे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, राइट। फिर क्या होता है इससे, प्रॉब्लम क्या आती है, इनोसेंट लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे गरीब आदमी है जो करप्शन नहीं दे पा रहा है 200 रुपए, तब उनका शोषण हो रहा है, राइट। तो करप्शन हमारे जड़ में बस चुकी है ना, एक हमारे उस सोशल लिविंग का एक पार्ट बन चुका है, सोशल लिविंग हमारे सामाजिक जीवन का, इससे डेली लाइफ इफेक्ट होती है। अब सिंपल सी बात है, कोई मेहनत करके 6 महीने पढ़ रहा है लड़का, और कोई ब्राइब दे करके पैसा दे करके बन जाता है पुलिस में या नौकरी पा जाता है, दिक्कत होगी। उससे फिर क्या होगा, जो इनोसेंट पीपल है उनको ट्रामा आएगा, उन्हें लगेगा बताओ इतने साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जॉब ही नहीं लग रही है। इससे क्या और आएगा, ह्यूमैनिटी भी अपने दांव में लगेगी। ये सब पूरा मैंने चर्चा किया, देखो नेक्सस बना होता है, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेटिक सब लोग मिले रहते हैं। यही मैंने चर्चा की कैसे जॉब स्कैम होता है, देखो क्रिमिनल प्रेजेंट करते हैं, यही सब मैंने मूवी के माध्यम से दिखाया है। अपने आप को दिखाया कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, ऐड के माध्यम से जॉब का ऐड दिखाएंगे अपनी बहुत शानदार, कि इसमें इतने लोग को जॉब मिल गई, इतना ऐसा हो गया, ठीक है ना। इन लोग वार्निंग नहीं देते, ठीक है, क्रिमिनल्स अपने आप तुम्हारा फोन बंद करवा देंगे, जब भी कोई काम करवाएंगे कहेंगे अपना फोन बंद कर लो, बात करो तो ऐसे बात करो, ठीक है ना। तो बहुत सावधानी से काम करते हैं इन लोग, और फिर आपके साथ स्कैम करते हैं। इसी तरह रोमांस का स्कैम भी होता है डेटिंग ऐप डेटिंग साइट पे, जैसे हनी ट्रैप बताया मैंने आपको, ठीक है। तो कैसे रोकें अपने फैमिली और फ्रेंड को, जब आपको लगने लगे कि हाँ कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है, जब आपको कह रहा हो कोई कि देखो यहां पर आप देखो कि आपको कह दे कि यहां पर कह दे कि अपना पिन शेयर करो, कि ऐसा पास आपकी कंपनी में जॉब लग गई है, अचानक कोई सडनली काम हो जाए, तो समझो कि ऐसा नहीं, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, क्लियर। ये होम मिनिस्ट्री ने बताया कि कैसे फेक न्यूज आती हैं, फेक गवर्नमेंट वेबसाइट आती हैं, तो पहले चेक कर लो एक एक, ठीक है ना, कहाँ से क्या हो रहा है। ये चीज ये होम मिनिस्ट्री ने बताया कि किसी भी अनजान नंबर को स्वीकार ना करें, टर्न ऑफ करें मोबाइल, सेफ इंटरनेट प्रैक्टिस की बात की गई है, क्लियर। इसी तरह सोशल मीडिया में सिक्योर प्रैक्टिस क्या क्या हो सकती है, सोशल मीडिया अकाउंट सेटिंग्स को हम लोग क्या करें, सिक्योरिटी विजिबिलिटी सब कुछ देखें, फेक जो फ्रेंड्स है ना उनको हटाएं, क्लियर है। ओके सो ये देखिए चैलेंजेस क्या हैं, ये सब कर लेंगे हम लोग, मान लो जो भी सिक्योरिटीज हैं वो लगा देते हैं हम लोग, सरकार के जो नियम है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस ये है ना कि क्रिमिनल लोग जो काम करते हैं ना, उन लोग अपने आप को बहुत सिक्योर इंश्योर एक कदम आगे निकलते हैं। जैसे मैंने बोला ना वेब सीरीज में फर्जी वाले में, तो जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स को दिखाएंगे नहीं, जैसे मान लो तेलंगाना में वो लोगों को ठग रहे होंगे, तो काम कर रहे होंगे मान लो पंजाब से इतनी दूर से, तो तेलंगाना वाली पुलिस कैच ही नहीं कर पाती है, तेलंगाना का पूरा सिस्टम वो खत्म ही कर देते, ना तो तेलंगाना का मोबाइल नंबर रखेंगे, ना गाड़ी, ना कुछ, पंजाब का ही कोई व्यक्ति बात करेगा तेलंगाना से, समझ आ रहा है ना वो चीज। फिर चैलेंज क्या होता है, ज्यूरिडिक्शन भी इसी होता है, जैसे मान लो पंजाब वाला व्यक्ति कर रहा है और तेलंगाना वाला, तो पंजाब गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट दोनों को आना होगा साथ में मिलकर के। तो वहां पर जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक दिल्ली करप्शन ब्यूरो है और हमारा जो अपना करप्शन ब्यूरो है एनसीआरबी, मान लो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वाला हो गया या अपना करप्शन वाला ब्यूरो है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार मैं गया था बैंक में और बैंक वाला मुझसे आधार कार्ड के लिए पैसे मांग रहा था, ठीक है, ब्राइब ले रहा था, कह रहा था तुम्हें जल्दी काम है, मैंने कहा हाँ सर बहुत जल्दी है मुझको और मेरा बनवा दीजिए। उसने कहा अच्छा तुम्हें 100 रुपए लगेंगे ये जल्दी बनवाना है, 4 दिन बनेगा। मैंने कहा ठीक है सर 100 रुपए ले लीजिए। तो मैंने बनवा लिया, फिर मैंने कहा सर मैं 100 रुपए नहीं दे पाऊंगा, ये आपकी ड्यूटी है आपको देना होगा। वो मुझसे करने लगा, बहस करने लगा। फिर मैंने दिल्ली जो करप्शन ब्यूरो है उनको फ़ोन किया, फिर जो अपनी नेशनल लेवल की करप्शन ब्यूरो एजेंसीज हैं उसने फ़ोन किया, तो दोनों लोग कहने लगे कि देखो ये दिल्ली वाला मामला है, दिल्ली वाला करेंगे, और दिल्ली वाले कहने लगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो सेंट्रल वाले करेंगे। तो उसमें क्या मुझे पहली बार समझा ज्यूरिसडिक्शन का इशू होता है कि किसके क्षेत्र में ये है, उन अधिकारियों को भी नहीं पता होता कि मैं एक्शन लूँ तो कौन लेगा, ठीक है ना। तो जब उन्हें पता नहीं ये मामला दिल्ली गवर्नमेंट का है या नेशनल वाले का, राइट, क्लियर है, ये चीज है। और दूसरी तीसरी चीज समझो, तीसरी चीज क्या है कि वो ये भी बोल रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति है कि स्टेट गवर्नमेंट का, फिर ये भी था कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, देख रहे हो ना। इसी लूप होल के कारण जो इसमें जो लूप होल होते हैं ना, जो बचाव के हमारे टूल हैं, इसी से वो बच जाते हैं, इसीलिए क्या होता है करप्शन होता है। यदि ये सब फेल हो जाए ना लूप होल, तो ना बच पाए इन लोग। नेक्सस होता है जैसे मैंने पहले बताया, डिपेंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर प्रोफाइल पर, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर प्रोफाइल इतनी सही से बनाते हैं, पूरी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम लोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं,
क्योंकि लोगों में कंसिस्टेंसी की कमी है ना, सब लोग स्वीकार कर चुके हैं, सोशल लिविंग बन चुका है। उन्होंने कहा यार मेरा काम हो गया है, मेरा लड़का मैंने पैसे देकर के उसको जॉब लगवा दी है, अब मैं क्यों उठाऊं आवाज। जन आंदोलन इस तरह का होता ही नहीं है। अन्ना हजारे ने किया, उसके बाद से कोई आंदोलन नहीं होता करप्शन को लेकर के, सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अवेयरनेस, इंफ्रा लैक, ये सब कमी है, आज भी कमी है। और जब अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल इश्यूज रहते हैं ना, तब कहीं ना कहीं लोग जाते हैं, लोग कहते हैं चलो दे दिया जाए पैसा, ठीक है ना, चलो मेरी नौकरी लग जाएगी, समझ में आ रहा है ना। और लोगों में जो ग्रीड की भावना रहती है और कंज्यूमरिज्म, मान लो किसी ने सैंड माइनिंग करके बालू की खदान में लग करके चार चार मंजिले बनवा ली, और एक गरीब आदमी बगल में ही रहता था, वो आज भी मजदूरी कर रहा है, तो उसे फिर आएगा ना कि यार मैं ही क्यों मजदूरी कर रहा हूं, चलो मैं भी यही सब काम में लग जाता हूं। तो ये चीजें हैं कि ग्रीड, लालच और कंज्यूमरिज्म, और जब इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिलता है, तो ये सब आज चैलेंजेस हैं, इनको हमें क्या करना होगा, इन पे काम करना होगा। क्लियर। अब ये पूरा सॉल्यूशन हमें देख लेते हैं। देखो आईटी एक्ट बने हुए हैं, नेशनल साइबर पॉलिसी है, नेशनल जो हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन जो हमारा कन्वेंशन है वो है, साइबर दोस्त करके एक पूरा वेबसाइट बनी हुई है ट्विटर का, उसमें बताया गया है। तो हमें ये जितने भी एजेंसीज या जितने नियम हैं इनको बहुत इफेक्टिवली यूज करना होगा। जो भी हमारे सीवीसी हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई हमारा जो है, ईडी हमारी हो गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एफआईयू फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट, इनकम टैक्स, एसीबी, सर्ट जो हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, ठीक है ना, ये जितनी भी एजेंसीज है ना इन सबको काम करना होगा। जैसे मान लो कैग जो रिपोर्ट देता है ना, कैग कहता है कि क्यों ये हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कमी है, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, मैंने बोला ना सबको मिले हुए हैं, ये प्रॉब्लम है, तो यहां पर सुधार लाना होगा, सिस्टमैटिक जो प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर। कि जो पॉलिटिकल लोग मिले हैं, नेता लोग पूरा, जो ब्यूरोक्रेटिक लोग मिले हुए हैं, जब इन्हीं लोग मिले हुए हैं तो क्या होगा। आपको मैं सच बता रहा हूं कि मैं एक यहां पर दिल्ली में एक बैठा था एक चाय वाले के होटल में, वहां पर चार लोग पुलिस वाले भी थे, उन लोग अपना दरबार कर रहे थे और बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कैसे मतलब करप्शन को हम नहीं रोक सकते भाई, पूरा करप्शन सिस्टम मिला हुआ है। वो चार लोग सोचना भी चाहते हैं ना, तो उन्हें लगता है पूरा सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, तो वो चार लोग भी काम नहीं कर पाते। और क्या क्या है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है, आईपीसी 1860 है, प्रिवेंशन क्रिमिनल एक्ट 1988 है, अमेंडमेंट हुआ है 2018 में, जैसे इसमें हमारा क्रिमिनल करप्शन एक्ट बना हुआ है ना, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, इसमें देखो 6 साल की सजा है, 10 साल की सजा है, सजा तो है, लेकिन उन्हें पता है सिविल सर्वेंट लोगों को कि हमारा कुछ हो नहीं पाना, हमें पता है कि लूप होल निकाल लेंगे हम लोग उसमें कमी निकाल लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जैसे बताया था आपको, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, ये एक्ट बने हुए हैं सब रोकने के लिए, लेकिन एक्ट का यूज कब होगा, जब जो काम करने वाले लोग है ना वो मजबूत बने, जब सिस्टम मजबूत होगा, तब जो पूरा सॉल्यूशन आएगा, लोगों में अवेयरनेस होगी। तो ये पूरा आज का मैंने आर्टिकल बताया कि सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कैसे स्कैम होते हैं, हमारी मूवीज में कैसे इनकी रिसर्च रखी हुई है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल वे से चर्चा किया, राइट। और आपको एक चीज समझनी होगी, ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, अब आप खुद बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट एलिमेंट क्या क्या है, कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड। देखो साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट क्या है, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, साइबर सिक्योरिटी क्या होगा एलिमेंट, आप खुद सोचो, ठीक है, साइबर को सिक्योर रखना है तो हमारा जो सिस्टम होगा ना वो होगा पहली बात, तो क्लियर, सिस्टम, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, पीपल होंगे, ठीक है ना, फिर हमारा नॉलेज पार्ट होगा, फिर हमारा जो लॉ होगा, ये सब एलिमेंट्स में आएंगे ना, कौन कौन एलिमेंट है, सिस्टम, पीपल, नॉलेज, लॉ, लोगों में अपना जागरूक अवेयरनेस। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि क्या क्या सक्सेसफुली अभी डेवलप किया हमने, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, तो हमने क्या बनाई है, जैसे मैंने बताया पॉलिसी बनाई है 2013 को लेकर के, आप लोग पिछले वाले का स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद कर लेंगे, इतना समझने के बाद कैसे कैसे डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, ठीक है ना, लोगों की पर्टिकुलर डिमांड के साथ खेला जाता है, जो भी मूवीज होती हैं इन्फ्लुएंस कराती हैं, राइट। और हमने ये समझा कि लोगों में अवेयरनेस नहीं रहती है,
लोगों ने एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि चलो ठीक है थोड़ा हमने क्लिक तो ही कर दिया है ना। अब क्लिक कर दिया, पता चला तुम्हारी पूरा डाटा ही ले गया, आपको डाटा से कोई मतलब ही नहीं है, आम आदमी को नॉलेज पता ही नहीं है। हमारा जो डाटा है आज तक 2017 से 2023 तक आज भी डिबेट चल रही है, नहीं बन पा रहा है। तो वो चीज चैलेंजेज हैं सक्सेसफुली डेवलप करने के लिए, यही है कि इन सब के लेवल पे काम करना होगा, लोगों को अवेयर कराना होगा, हमें क्या कहते हैं अपने लॉ बनाने होंगे, हमें मशीनरी पे काम करना होगा, हमें जो एक्सपर्ट है ना साइबर एक्सपर्ट उनकी मदद लेनी होगी। आज भी साइबर एक्सपर्ट हमारे देश में कमी है लोगों में, तो इस तरह क्वेश्चन कर सकते थे, राइट। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन आया है, इंटरनल सिक्योरिटी में क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक हो रहे हैं। साइबर अटैक जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान साइबर अटैक कर रहा है। साइबर अटैक कैसे, मान लो हमारा कोई कंप्यूटर हैक कर लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया दिल्ली एम्स का, ठीक है, मान लो किसी कंट्री ने आपका क्या कर दिया, साइबर अटैक कर दिया, तो प्रॉब्लम किसको आएगी, प्रॉब्लम हमारे ही लोग को आएगी ना, ये चीज है। इसी तरह साइबर क्राइम के डिफरेंट टाइप, जैसे मैंने बताया ईमेल कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हैं, फिक्स एक्सटॉर्शन कर सकते हैं, हनी ट्रैप कर सकते हैं, फिर आपको उसमें टेररिज्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ड्रग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग भी हो सकता है, तो कई सारे डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे साइबर क्राइम के, ठीक है ना। साइबर आपका उसमें क्या कहते हैं आपका जो ट्रैफिकिंग है उसमें ले जाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या मेजर्स हैं, क्या मेजर्स हैं हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, क्लियर है। इसी तरह जीएसके फोर्थ पेपर में भी है, क्लियर। आप लोग इसका जो भी आपको इन क्वेश्चनों में जिसको आंसर देना हो वो दे सकता है कि क्या क्या मेन मेन पॉइंट लिख सकते थे, तो पूरे कमेंट में हर आंसर का एक एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, यदि आप लोग को थोड़ा भी साइकोलॉजी समझ में आई हो आज की, ठीक है ना। तो थैंक यू, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो कमेंट जरूर किया करें, ठीक है ना, कमेंट किया करें, फीडबैक दिया करें कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं, और इन क्वेश्चनों का आप जवाब जरूर देंगे। सब क्वेश्चन को देख लीजिए और फिर कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू।